नमस्कार दोस्तों, गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से दूर हो जाती हैं मुसीबतें, जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र जीव माना गया है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ तथ्य और उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको करने से हर एक काम में सफलता पाई जा सकती है। पहली, रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्य में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत होते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हों तो गौ माता को भोजन कराने से या उनके हाथ से खिलवाने से प्रतिदिन या सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला में समेत अपने नियम बनाएं, जिसमें आप गौशाला में जाके गौ माता को भोजन कराएं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है और सभी तीर्थों के पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। गौ के गोबर से बने उपलों से रोजाना घर या दुकान, मंदिर परिसर में धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर के दरवाजे पर आए अगर गायें तो वो खाली ना लौटाएं। गौ माता को कभी पैर ना लगाएं और गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें या गाय के गले में बंधी हुई घंटी बजाने से गौ माता की आरती हो जाती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाएं गौ माता हर लेती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परेशानियां आ रही हैं, तो क्यों ना आप भी गौ माता की सेवा आज ही से शुरू कर दें। धन्यवाद दोस्तों।